हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ग्रोमिंग एम्पायर। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो, स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कम्बशन, जिसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति का खुद ब खुद जल जाना। ये सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन इससे जुड़े कई रियल केसेस हैं जो ऐसा होने का दावा करते हैं। इस टॉपिक ने 1938 में जोर पकड़ा जब पहले पहली में एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें SHC यानी कि स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कम्बशन के कुछ कैरेक्टर शामिल किए थे। कैरेक्टर्स जैसे कि विक्टिम का अल्कोहलिक होना, बॉडी का स्पॉन्टेनियसली ना जलना बल्कि किसी स्टिमुली के वजह से जल जाना, जैसे कि सिगरेट या फिर लाइटर्स। और सबसे अजीब बात तो यह है कि SHC के केस में हाथ और पैर जलते ही नहीं है। अभी तक इससे जुड़े मोर देन 200 केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिनमें कई सारे मिस्टीरियस डेथ के एक्सप्लेनेशन के लिए इसी थ्योरी का सहारा लिया गया। और इन सारे ही केसेस में ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कॉमन भी थे। इन्हीं में से दो केस मैं आपसे अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला केस मैरी रीजर का है, जो 2 जुलाई 1951 में अपने ही कमरे में मृत पाई गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कमरा पूरी तरह से बंद था और डोर का लॉक गर्म हो गया। इस केस के एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया कि जो मैरी थी वो अपने कमरे में स्मोकिंग कर रही थी और इस दौरान उन्होंने कुछ स्लीपिंग पिल्स भी ली, जिसके बावजूद सो गई और सिगरेट उनकी ऊपर गिर गई, जिससे उनकी पूरी बॉडी जल गई। ऐसा ही एक केस 1980 में साउथ वेल्स में हुआ, जो कि हेनरी थॉमस का है। उनकी पूरी बॉडी इंसिनरेट हो चुकी थी और सिर्फ घुटनों के नीचे का पार्ट अनबर्न रह गया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके केस में भी SCH को ही मेन रीजन माना गया। टाइम के साथ SCH से जुड़ी कई एक्सप्लेनेशन सामने आने लगे, जिसमें से एक एक्सप्लेनेशन लैरी ई आर्नोल्ड ने 1995 में अपनी एक बुक में पब्लिश की, जो कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी की जो फ्लेमेबिलिटी है वो कुछ सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करती है, जैसे कि अल्कोहल का कंटेंट ब्लड में ज्यादा होना या ह्यूमन का एक्सट्रीम स्ट्रेस होना। अब ये जो प्रोसेस है वो कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसेस नहीं है, लेकिन इसका अभी तक कोई रिएक्शन मैकेनिज्म भी प्रपोज नहीं कर पाया। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।